बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अपने वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो स्ट्रेट, जब रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि वेव के दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। एक को हम लोग कहते हैं क्रस्ट और दूसरे को हम लोग कहते हैं ट्रफ। अब देख लो, मीन पोजिशन के ऊपर जो वेव बनता है, ये वेव, ठीक है, ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट। और मीन पोजिशन के नीचे जो वेव बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। ठीक है, इसी तरह वेव के दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रफ। ये भी हमारे पास क्रस्ट है, ठीक है, और ये नीचे वाला हमारे पास क्या है, ट्रफ। ठीक है, तो ये वेव के दो पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेव लेंथ क्या होता है। ठीक है, वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ को हम लोग एक साइन से शो करते हैं। ठीक है, ये वाला साइन, ये साइन, इसी साइन को हम कहते हैं लैम्ब्डा। इसी साइन को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्ब्डा। देखो, ये साइन ऐसे करते हैं, फिर ये वेवलेंथ का साइन है। ठीक है, और इसी को हम लोग रीड क्या करते हैं, लैम्ब्डा। ठीक है, ये वेवलेंथ का साइन है। अब वेवलेंथ क्या होता है, देखिए, फर्ज करें मैं एक वेव को कंसिडर कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है, ये वेव। अब ये देखो, ये ऊपर वाले मेरे पास क्या है, क्रस्ट, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। ये फिर से हमारे पास क्रस्ट है, और ये फिर से हमारे पास ट्रफ है। अब देख लो, एक क्रस्ट मेरे पास ये है, और एक क्रस्ट मेरे पास ये। इन दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो क्रस्ट, दो कंजक्टिव क्रस्ट, ठीक है, दो मुसलसल क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, एक क्रस्ट ये, एक क्रस्ट ये, तो इन दोनों क्रस्ट के दरमियान एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, एक फासला होता है, उसी फासले को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और इसको हम लोग इस साइन से शो करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्ब्डा। ठीक है, अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये इसका वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, अगर दो ट्रफ हमारे पास हो, देखो, इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। अब इस ट्रफ से लेकर इस ट्रफ तक ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, लैम्ब्डा कहते हैं। ठीक है, तो देखो, दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है, ये फासला, या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ का साइन ये होता है, ये वेवलेंथ का साइन है। और इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं लैम्ब्डा। ठीक है, तो ये वेवलेंथ है, और वेवलेंथ का एसआई यूनिट वेवलेंथ का, क्योंकि देखो, वेवलेंथ एक डिस्टेंस होता है, दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस होता है, फासला होता है, इसीलिए वेवलेंथ का यूनिट हमारे पास है मीटर, जिसको हम लोग एम से शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे वन वेव। अब वन वेव क्या होता है, देखिए, मैं फिर से इसी वेव को कंसीडर कर रहा हूँ। ये वेव देखो, ये मीन पोजीशन के ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट। और मीन पोजीशन के नीचे वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, ट्रफ। अब देख लो, ये एक क्रस्ट है, और ये एक ट्रफ है। तो एक क्रस्ट, ये एक क्रस्ट है, और ये एक ट्रफ है। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक साथ मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वेव। ठीक है, वन वेव में क्या होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब एक साथ मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वेव। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वेव। ठीक है, जिस तरह देखो, ये क्रस्ट है और ये एक ट्रफ है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वेव। फर्ज कर, इसको मैं पॉइंट ए का नाम देता हूँ, और इसको पॉइंट बी का। ये एक क्रस्ट है, और ये एक ट्रफ है। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक साथ मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वेव। ठीक है, तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये देखें, ये हमारे पास वन वेव है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वेव। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वेव। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है।
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू रखते हैं, ये यहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यू रखें।